रेड लाइन मेट्रो से यहाँ पे आया हूँ और ये लास्ट स्टेशन है। अब यहाँ से जिस तरफ हॉस्टल है वो यहाँ से 6 या 7 किलोमीटर है, तो अब मैं कोशिश करूँगा ये 7 किलोमीटर मैं पैदल जाते वक्त यहाँ से पैदल जाऊँगा और जो भी चीज़ रास्ते में आएंगी मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। तो नेक्स्ट 7 किलोमीटर स्पीड हो पैदल पैदल। भाई एक चीज़ अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे काफ़ी भीड़ भाड़ है, यहाँ पे घर पे कोई खाना नहीं बनाता, सब लोग शाम के टाइम में, अब इस टाइम डिनर का टाइम है तो सब लोग होटलों में रेस्टोरेंटों में आ जाएंगे, तो 90% लोग हैं वो यहाँ पे घर पे खाना नहीं बनाते, 10% लोग ही थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं और अपने वाले तो जब तक घर का खाना ना खाए तो दिक्कत हो जाती है उनको, यहाँ उल्टा है भाई। यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी फेमस है, एक फैमिली मार्ट और एक 7-Eleven। तो हम फैमिली मार्ट में चलते हैं। फैमिली मार्ट में मुझे वेजिटेरियन कुछ मिल जाता है खाने का, एक पैकिंग है उसमें। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो दिखाते हैं आपको किस तरह यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, अपने लोग प्रोटेस्ट कैसे करते हैं और यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, तो एक डिफरेंट दिखाते हैं कि भैया अपना वाले तो जन आक्रोश रैली कैसी होती है और यहाँ की जन आक्रोश रैली कैसी होती है। देखिए ट्रैफिक है, इधर डाइवर्ट कर दिया, ट्रैफिक चल रहा है, रैली बिल्कुल पास में आ चुकी है, उसके बावजूद भी ट्रैफिक चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो 50 मीटर पे इनकी रैली है और रैली क्या कह सकते हो आप उसको, जो यात्रा है वो है और अभी भी ट्रैफिक चल रहा है, तो देखना कैसे क्या होता है। पुलिस बड़े और ज़्यादा पुलिस के लोग नहीं है, हमारी तरह कोई छावनी नहीं बनी हुई है, मुझे गिनती से 8 से 10 लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। पुलिस वाले ने अब ट्रैफिक रुकाया और सिर्फ 20 मीटर इनकी पॉलिसी होगी। ये रैली है यहाँ पे बुजुर्ग लोगों की पेंशन थोड़ी सी बंद कर दी गई थी, एक्स सर्विसमैन की, आर्मी वालों की और पुलिस वालों की, उसके बारे में है। तो पर कितने प्यार से निकाल रहे हैं, मज़ा आ गया देख के, रैली को भी देख के और प्रोटेस्ट को देख के भी, ऐसा ही प्रोटेस्ट होना चाहिए कि गवर्नमेंट को पता भी चल जाएगा। देखिए छोटा सा माइक ले लिया, उस स्पीकर ले लिया, साथ साथ उसको ट्रैवल कर रहे हैं और वहीं से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। सिम कार्ड लेना है, अगर आप 1 महीने तक के लिए रुकने के लिए आ रहे हो तो सिम कार्ड एयरपोर्ट से लीजिए, पहली ऐसी कंट्री है जहाँ सिम कार्ड एयरपोर्ट पे आपको सही मिलेगा, सस्ता मिलेगा। यहाँ पे एक कंपनी है जंगवाओ करके टेलीकॉम, उसका सिम कार्ड आप एयरपोर्ट से ले सकते हो और एयरपोर्ट पे आपको स्पेसिफिक 15 डेज 20 डेज $1,000 में आपको 1 महीने का अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। और पर आप, मैंने गलती की, मैंने एयरपोर्ट पे नहीं लिया क्योंकि रात को वहाँ पे मेट्रो की वजह से सोया हुआ था, सुबह उठा तो फिर मुझे अभी दूसरी जगह से बाहर से मैं लेना, मैंने सोचा कि 15 दिन कर लूँगा, 20 दिन मुझे रहना है, तो मैंने कोशिश करी कि 3-4 दिन निकालूँ, पर अब यहाँ जाके मुझे महीना पड़ गया, तो 10 दिन का मुझे $1,000 का मिल रहा है, वहाँ पर मुझे 1 महीने का $1,000 का मिल रहा है, तो अभी मैं ले रहा हूँ T-Star का। तो वो इसके लिए आपको 2 ID चाहिए, एक ID आपका पासपोर्ट और एक आपकी कोई भी इंडियन अदर ID है, 2 ID कंपलसरी है यहाँ पे सिम कार्ड में। इतनी इंक्वायरी है कि मतलब एक एक चीज़ को एक्यूरेट देखा गया, सिग्नेचर भी करवाए गए हैं, डिजिटल सिग्नेचर हुए हैं, उसके बाद में फ़ोटो दिखा के कन्फर्म किया कि आपका ये है, तो अभी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम कैसे दे सकते हैं, तो बड़ा कसम कसम है, पर इन्होंने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं तो अच्छा है,
और इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी तो एक महीने का अनलिमिटेड दे दिया 1000 में, तो मैं ठीक है मैं बच गया, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा देने पड़ते। एक कोई इनके पास स्पेशल स्कीम ली है इन्होंने, तो मैंने बताया जब उससे कि मैं ट्रैवलर हूँ साइकिल से कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी हेल्प करी है, तो ऐसे थैंक यू। सिम कार्ड ले लिया, चलते हैं थोड़ा सा, एक छोटा गैस सिलेंडर लेना है, रास्ते में खाना खुना बनाने के काम आ जाएगा चाय भाई के लिए। तो आउटडोर वाली कोई शॉप पे देख रहे हैं, सर्च किए 500 मीटर दिखा रहा है यहाँ से, तो 500 मीटर जाएंगे और देखेंगे। अब मैं पुल पे चढ़ गया, आपको दिखाओ यहाँ का सीन, ये देखिए ट्रेड सेंटर पे, और ये यहाँ का पोस्ट एरिया है, और ये जो सामने आपके जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये बिल्डिंग है, कभी किसी टाइम में ये वर्ल्ड में सबसे लंबी बिल्डिंग का खिताब मिला है। अभी तो बुर्ज खलीफा ये वो बहुत सारी हो गई है, पर एक टाइम था कि ये वर्ल्ड की सबसे लंबी बिल्डिंग रही है। तो इसका इसके गेड़ी रूट पे चलते हैं, अब देखते हैं कैसे क्या है। यहाँ से देख लीजिए इस बिल्डिंग को, थोड़ा मुझे भी देख लीजिए, इसको भी देख रहे हैं ये डिज़ाइन बना हुआ। ओके, मैं आप दो तीन तरीके से ट्रैवल कर सकते हो। एक तो आप मेट्रो से इधर जा सकते हो, दूसरा आप ये जो सामने बस है ये सारी जगह साइट सीन करवाती हुई जाती है आपको, और इस पर आप जहाँ जहाँ भी उतर के देख सकते हो, नेक्स्ट पे चले जा सकते हो, फिर नेक्स्ट पे जा सकते हो। तो 1500 रुपये लेंगे, 1500 रुपये में आपको पूरा टाइपे का आप देख सकते हो, देख ही नहीं सकते आप, एक्सप्लोर कर सकते हो उसको। एक जगह उतर जाओगे, नेक्स्ट बस आएगी उसमें चले जाओ, नेक्स्ट आएगी उसमें चले जाओ, मतलब एक बस एक ही फिक्स नहीं है, आप नेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों अब मैं हूँ ताइपे 101 बिल्डिंग के अंदर, और वहाँ पे 5th फ्लोर पे हूँ, 5th फ्लोर से 4th फ्लोर पे ले आए, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टावर के लिए टिकट है, तो वहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन ऊपर टॉप फ्लोर पे जाके देखना चाहते हो तो वहाँ जा सकते हो, और उसकी टिकट कितनी है वो मैं अभी देख के और फिर आपसे बात करता हूँ। मोस्टली चांसेस आएगी $200-300 की मिलेगी, तो देखता हूँ, अगर पैसे वसूल ना हुए तो नुकसान है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, आप लोग करते नहीं हो तो क्या करें अब। तो अब मुझे कुछ चीज़ों में कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि आप समझ सकते हो मेरी कंडीशन। पिछले एपिसोड में भी बताया था कि ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है यार, लोगों को लगता है कि एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, पर साइकिल से आप ट्रैवल करते हो तो फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम रहती है, फाइनेंशियली मैनेज करना भाई बड़ा मुश्किल है। 2 साल तो जैसे तैसे निकल के अब निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और 32,000 किलोमीटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कभी डाउन आए, कभी अप आए, कभी मूड ऑफ हुआ, कभी अच्छा हुआ, पर मज़ा आया ओवरऑल, आप लोगों का सहयोग मिला, प्यार मिला, तो
तो आप सोच सकते हो ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये फिफ्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर पे इतना ओपन स्पेस दे रखा है इन्होंने, तो आपको लगेगा कि हाँ रियली में कुछ होगा। तो अब हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ, देखते हैं कितनी टिकट है। अगर टिकट $100 से नीचे की हुई तो लूँगा भाई, उससे ऊपर हुई तो नहीं लूँगा, क्योंकि जैसे अपनी चाय फेमस है, ताइवान की चाय भी वर्ल्ड फेमस है, हमारी चाय से भी ज़्यादा अच्छी चाय बताई जाती है ताइवान की, और ताइवान लोग पीते भी चाय बहुत हैं, दूध वाली भी पीते हैं, एक अच्छी बात है, पर मुझे देखने का मौका नहीं मिला। तो अब हम जाके देखते हैं टिकट का रेट क्या है। आप बताओ दोस्तों, 1500 रुपये की लगभग $100 की टिकट है, तो आपको लगता है कि ऊपर जाना चाहिए? वो चीज़ जो ऊपर से दिखेगी, वो चीज़ जो ऊपर से दिखेगी वो मैं आपको ड्रोन से दिखा दूँगा और घुमा दूँगा। बाकी एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, देख ही लोगे आप, जो चीज़ ऊपर से दिखने वाली है वो यहाँ पे दिख जाएगी, इसमें देखिए। ये चीज़ शायद मैं ऊपर से तो नहीं दिखा पाता, पर यहाँ से ज़्यादा बेटर दिखा। $1,00,000 से नीचे का कोई हीरा नहीं है इस मार्केट में, और उन्होंने लिखा है रेयर जेम्स ऑफ वर्ल्ड, तो भाई होगा, हमारा क्या काम, हम तो चलते हैं नीचे। भाई पिछले एक 6-7 दिन से मैं यहाँ पे रुका हुआ था, ये ताइपे हॉस्टल है, बड़ा प्यारा हॉस्टल बनाया हुआ है, देखिए जगह जगह लोगों ने अपने कमेंट कर रखे हैं। और रूम दिखाऊँ तो आपको, एक रूम में 8 से 10 बेड हैं, ये रूम है, और यहाँ हमारे भाई भी कोई मैं देख रहा था किसी इंडियन ने हिंदी में लिख के गया हुआ है डिटेल्स अपने। और आज हम चलते हैं, एक अब 5-6 दिन का रेस्ट हो गया सारा, ये देखिए इस टाइप के रूम है अंदर, और उनको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, सो नेक्स्ट ओके बाय बाय। अब नीचे चलते हैं और धनु दिखा दूं तुम्हें कहाँ खड़ी कर रखी थी मैंने। आपको मैं बता दूं, बीच में इस हॉस्टल में 2 दिन रूम नहीं था, तो मैं 2 दिन इस पे मुझे सोना पड़ा, और ये धनु खड़ी है, तो सोना साना तो कोई बात नहीं, इतनी जगह मिल गई तो बहुत है। एक्चुअली ताइपे में हॉस्टल और ये थोड़े महंगे हैं एज़ कम्पेरिजन टू अदर कंट्री, मतलब लाइक फिलीपींस और इंडोनेशिया की, पर ठीक है, अच्छा है, मज़ा है।